चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे। हे भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। हे भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। हे भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। स्वामी, आपके भक्तों पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। हे भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। हे भगवान अपने भक्तों का संकट दूर करें परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। माता, इन ब्राह्मणों का संकट अति पीड़ाकारी है। परंतु इनका संकट है क्या? हिरण्यकश्यप का सेनापति दुंदुभी नार अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए बाघ बनकर इन निर्दोष और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का वध करने का प्रयास कर रहा है। माता, आप इनकी सहायता करें। ऐसा करने से क्या प्राप्त होगा उसे? दीति के उकसाने पर वो ऐसा कर रहा है। दीति के अनुसार ऐसा करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और अन्य देवगण से प्रतिशोध लिया जा सकता है। उस दुष्ट का अंत अब निकट आ गया है। निर्दोष भक्तों को पीड़ित करके वो स्वयं कब तक जीवित रह सकेगा? आवश्यकता नहीं है, इस दुष्ट का अंत हम अभी कर देते हैं। का संहार करके देवगण एवं ब्राह्मणगण दोनों का उद्धार किया है। दुष्टों का संहार करना हमारा कर्तव्य है, वही हमने किया है। इसीलिए प्रभु, आज से आप व्याघ्रेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध होंगे। बोलो व्याघ्रेश्वर महादेव की जय। व्याघ्रेश्वर महादेव की जय। व्याघ्रेश्वर महादेव की जय।